हेलो एवरीवन, आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बिना लहसुन प्याज की और बहुत ही यम्मी बनती है। इसको किस तरह से बनाना है और साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, मेरे चैनल द परफेक्ट जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी की रेसिपी। तो मैंने गोभी को ले लिया है, अच्छी तरह से इसको कट कर लिया है, छोटे टुकड़ों में ही कट किया है। अपने मनचाहे शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और एक मैंने टमाटर लिया है और इसकी मैं बनाऊँगी प्यूरी। तो मैंने टमाटर का साइज़ दिखा दिया ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इस टमाटर को मैंने रफली कट कर लिया है और कट करके मैंने डाल दिया ग्राइंडर में। अब इसकी मैं प्यूरी तैयार करूँगी। तो प्यूरी बनाने के लिए मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, बिना पानी का मैं इसे मतलब अच्छे से पेस्ट तैयार कर लूंगी, क्योंकि टमाटर में बहुत सारी पानी छूटती है जब भी आप इसका पेस्ट बनाते हैं। तो बस बिना पानी डाले टमाटर को अच्छी तरह चलाकर इसके पेस्ट को तैयार कर लेना है। और उसके बाद ले लेनी है कढ़ाई। बनाने के प्रोसेस की तरफ चली जाए तो मैंने कढ़ाई को ले लिया है, बड़ी वाली कढ़ाई मैंने ली है जिसमें मैं अधिकांश ढोकला वगैरह बनाती हूँ या फिर भाप लगाने में कोई रेसिपी होती है इस तरह की, कोई या केक बनानी होती है तो इस तरह के बर्तन मैं यूज करती हूँ, वही वाली मैंने कढ़ाई ली है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाल दिया सरसों तेल। मैं अधिकांश रेसिपी सरसों तेल में बनाती हूँ तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल ही लिया है, बड़ा चम्मच से एक चम्मच। आप अपने पसंद की कोई भी तेल ले सकते हैं। और सरसों तेल को अच्छे से गर्म करना होता है, रिफाइंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि वो पतली होती है, सरसों तेल थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो इसे अच्छी तरह से गर्म करने के लिए हल्का सा टाइम देना पड़ता है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जो मैंने गोभी को अच्छे से धुल कर कट किया हुआ था, या कट करके धुल लें अपने अकॉर्डिंग देख लें, तो उसे मैंने डाल दिया पानी। अच्छी तरह से अगर ड्रेन रहेगी तो गोभी बहुत अच्छे से फ्राई होती है। अगर पानी वाली गोभी होती है तो पानी रिलीज हो जाती है तेल में, तो वो थोड़ी सी टाइम लगती है। तो उसे फ्रेंड्स कोशिश करें कि गोभी के पानी को अच्छी तरह से निकलने दें, उसके बाद ही तेल में अच्छे से फ्राई होने के लिए डालें। तो मैंने इसको हल्का सा भुना था, भुनने के बाद मैंने क्या किया कि इसको ढक दिया है ताकि ये थोड़ी सी पकती भी जाए और थोड़ी सी लाल भी हो जाए। तो मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है और कंटिन्यू हाई फ्लेम पर मैं इसे कुछ कुछ टाइम पर ढक्कन लगा रही हूँ। मैं हटाती जाऊँगी, चलाती जाऊँगी, हटाती जाऊँगी, चलाती जाऊँगी। इस तरह से आपको क्या करना है कि जब इस गोभी की लाइट गोल्डन कलर आ जाए फिर आपको करनी है अगली तैयारी। तो थोड़ी सी मेरी कैमरा पर थोड़ी सी भाप आ गई है जिसके कारण थोड़ी सी धुंधली हो गई थी फोटो, मुझे पता नहीं चला था। तो फ्रेंड्स, जब हल्की कलर इसकी गोल्डन हो गई थी तो मैंने गोभी को अच्छी तरह से निकाल लिया था। अब इसी कढ़ाई में मैं अगला प्रोसेस करूँगी। तो मैंने गोभी को अच्छी तरह से हल्का गोल्डन कलर तक भून कर निकाल लिया है, उसे मैंने फैला कर रख दिया है ताकि उसके पीसेस टूटे नहीं, बिखरे नहीं। उसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाल दिया और भी, ताकि मैं इसमें और भी अच्छे से मसाले वगैरह भून सकूं। और मैंने आधा चम्मच यहाँ डाला है पंचफोरन। पंचफोरन मैं मतलब पाँच चीज़ों से बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी चीज़ें बराबर लेती हूँ। थोड़ी सी जीरा लेती हूँ, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी सौंफ, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप मतलब पंचफोरन बना ले। उसे डालें आलू की सब्जी हो या फिर इस तरह की रेसिपी हो जिससे गोभी वाली मैं बना रही हूँ, इन सब में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पांच मसाले का फ्लेवर आता है पंचफोरन में, तो ज़रूर डालें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने पंचफोरन को अच्छे से चटकने दिया था, तेल भी गर्म हो गई साथ में पंचफोरन भी चटक गई है। अब इस स्टेज पर मैंने जो तैयार की थी टोमेटो की प्यूरी उसे डालूंगी, लेकिन उसके पहले इसमें सुंदर सी कलर आने के लिए मैंने ले लिया है थोड़ी सी देगी मिर्च, आधा चम्मच मैंने लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया दो चम्मच के लगभग पानी, साथ ही मैंने डाल दिया थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर भी डाल दिया है तेल में, ताकि दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए और कलर भी सुंदर आ जाए। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ी सी हल्दी ताकि इसकी बहुत ही प्यारी सी कलर आ जाए। और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटे चम्मच से, मैंने डेढ़ चम्मच लिया है धनिया पाउडर। सभी मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर भुने ताकि मसाले जले भी नहीं। वैसे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था तो हल्की सी ड्राई हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। पानी यहाँ पर हल्का हल्का ही डालें, मतलब दो तीन चम्मच के लगभग पानी डालें और इसको हल्का सा भुने ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। और फ्रेंड्स, हल्का सा तेल सेपरेट होने लगे तब आपको डालनी है टोमेटो की प्यूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप साइड साइड से देख सकते हैं तेल थोड़ी सी झलकने लगी है। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ था, मैं इसे चला भी रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस स्टेज पर डाल देनी है आपको टोमेटो की प्यूरी। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने बड़ी सी टमाटर ली थी तो गाढ़ी सी मेरी प्यूरी तैयार हो गई है, थोड़ी सी ग्राइंडर में लगी हुई है। तो हल्का सा पानी डालकर मैं इसमें चला देती हूँ एक बार, फिर से मैं इसमें डाल दूँगी। तो टोमेटो की प्यूरी ग्राइंडर में गाढ़ी थी तो मैंने हल्का सा पानी डाला आधा कप और इसमें मैंने मिला दिया। अब सभी चीज़ों को मिलाकर मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कुछ कुछ टाइम पर चलाते हुए अच्छी तरह से पकाऊंगी, अच्छी तरह से गाढ़ा करूंगी, तेल सेपरेट होने दूंगी। अगर आप इस तरह के टमाटर वाली प्यूरी में इस रेसिपी को नहीं बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो एक मसाला मैं आपको और बताती हूँ, उस मसाले में भी आप इस रेसिपी को बनाएं, काफ़ी डिलीशियस लगेगी। तो उसको बनाने के लिए आपको करना क्या है,
तो आपको करनी क्या है कि मीठी फ्रेश दही ले लेनी है। तो मैंने दही जो जमाई थी वो थोड़ी सी पतली हो गई थी, तो अगर गाढ़ी दही आपकी रहेगी तो 4 चम्मच काफ़ी है, लेकिन मेरी थोड़ी सी पतली वाली दही बन गई है, मतलब कि हल्की सी जमी नहीं थी, लेकिन मैंने ये रेसिपी बनानी शुरू कर दी। तो मैंने 6-7 चम्मच अच्छे से ले लिया है, छोटा छोटा चम्मच से ले लिया है। साथ ही उसमें आपको ऐड कर देनी है थोड़ी सी देगी मिर्च या फिर लाल मिर्च, जो भी आपको पसंद हो। साथ ही थोड़ी सी डाल देनी है यहाँ पर जीरा पाउडर या फिर काली मिर्च पाउडर भी साथ में ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस मसाले को आप डाल दें उस मसाले में, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में तेल में देगी मिर्च थोड़ी सी जीरा डाला था, उसके बाद मैंने मसाले को डाला था, तो आप वहाँ पर लाल मिर्च जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दें, अच्छे से चटका लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि दही वाली जो मतलब मैंने मसाला तैयार किया उसे डालकर भी आप उस रेसिपी को अच्छे से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं टमाटर वाली बना रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए मसाले को मैं भून रही हूँ, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, और कंटिन्यू चलाते हुए मैं इसे पकने दूंगी। इसी बीच में कुछ चीज़ें और भी ऐड कर रही थी, तो मैं सोची कि इसको पहले मैं इसमें दिखा देती हूँ। तो मैंने इसी बीच इसमें डाल दिया है तेज़पत्ता को, तेज़पत्ता मैं जनरली तोड़ कर डालती हूँ, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, जितनी आपको नमक कम ज़्यादा खानी है अपने अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको आराम से पकने देना है मीडियम फ्लेम पर, बस बीच बीच में चलाते जाएँ। इस तरह मैं साइड साइड से उसको स्क्रैच करते हुए चला रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने तेल को कम डाला था, अगर आप तेल ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो इतना हल्का हल्का चलाना नहीं पड़ेगा, बस हल्का स्टर दे दीजिए, बस हो गई। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं मसाले में थोड़ी सी तेल सेपरेट होने लगी है, तो चलिए अब मैं पूरी तरह से इसकी तेल सेपरेट हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तेल अच्छे से सेपरेट होने लगी है मसाले में। तो इस स्टेज पर आपको क्या करनी है कि जो आधी अधूरी गोभी को मैंने भुना हुआ था उस गोभी को यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला था, और जो ये ढक्कन में लगी हुई है तेल, उन सब तेल को अच्छे से पोंछ पाछ के इसमें डाल दीजिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तेल को कम डाला था, लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने मसाले को भुना था, उसको मैंने गोभी वाला तेल भी डाल दिया है। अब चलिए इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देते हैं, ताकि थोड़ी सी गोभी भी सॉफ्ट हो जाए और थोड़े से मसाले मेरे और भी भुन जाएँ। तो क्योंकि तेल मैंने डाला अभी ढक्कन वाला तेल डाला है, तो उसे और भी अच्छे से पक जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हल्के टाइम के लिए ढक दी जाए और इसको पकने दी जाए। तो हल्के टाइम पकाने के बाद चलिए फ्रेंड्स, मैं फिर से दिखा दूं आपको। देखिए और भी ड्राई हो गई है मसाले मेरे, और थोड़ी सी तेल भी सेपरेट हो गए, कहीं कहीं से बुलबुले दिख रहे होंगे। तो इस स्टेज पर क्या करनी है कि आपको जिस तरह की गोभी रखनी है गोभी को देख लें, अगर पूरी तरह से पक गई है तो पानी कम डालें, अगर थोड़ी सी और भी पकनी बाकी है तो आप पानी उसी अनुसार डालें। लेकिन मेरी गोभी लगभग 2-3% और पकेगी, क्योंकि मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुना भी था ढक ढक कर, साथ ही मैंने मसाले के साथ हल्का 2-3 मिनट के लिए भुना है, तो ये हल्की फुल्की और पकेगी। तो मैंने हल्का ही पानी डाला है। अभी इस स्टेज पर मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, एकदम छोटू चम्मच से मैंने डाला है। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक चम्मच कसूरी मेथी, दोनों हाथों पर अच्छे से मल कर इसमें डाल दे, क्योंकि मैंने इसमें बिना लहसुन प्याज का बनाया है तो फ्लेवर तो कुछ चाहिए ताकि बहुत टेस्टी लगे। तो उसके बाद क्या करना है कि डाल देना दोनों चीज़ों को, डालकर अच्छे से मिला देना है। कसूरी मेथी गरम मसाला से कोई भी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो बस मिलाने के बाद आपको क्या करनी है कि इसको अच्छे से ढक देनी है। आप चाहें तो इसमें, आपके लिए ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें आलू भी, उबले हुए आलू को इस तरह से हल्का तोड़ कर डाल सकते हैं, या फिर बिना आलू वाली भी गोभी को बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। लेकिन अधिकांश रेसिपी में आलू डलती ही हैं, जिस घर में बच्चे हों खासकर, तो मैं किसी भी रेसिपी में कोशिश करती हूँ कि आलू डालूँ ही डालूँ। तो मैंने छोटे साइज के 4-5 आलू लिए थे, जिसे मैंने तोड़ कर डाल दिया है। अब मैं इसे हल्का सा उबलने के लिए छोड़ूंगी। पानी आप यहाँ पर अपने अनुसार एडजस्ट कर लें, कम ज़्यादा देख लें। तो आलू को मैंने जो तोड़ा था, तो एक 2 आलू बड़े दिख रहे थे, उसको मैंने हल्का कट कर लिया है। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि उबले हुए आलू हैं और गोभी भी मेरी ऑलमोस्ट पक गई है। आप गोभी के अनुसार और आलू के अनुसार पानी डालें, ताकि जब भी आप ग्रेवी रखें तो सब्जी में जितनी पानी की मात्रा आपको चाहिए उतनी रहे। कच्चा पानी किसी भी रेसिपी में ना डालें फ्रेंड्स, जब तैयार हो जाए तो उसमें अगर बाई दबे मान लीजिए आपकी कभी ग्रेवी लगती हो कि ग्रेवी मेरी थोड़ी सी कम बन गई है, मुझे और भी ग्रेवी चाहिए थी, तो उस स्टेज पर आप गर्म पानी डालें, उबली हुई पानी डालें। कच्चा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट अलग हो जाता है। तो ये मेरी टिप है फ्रेंड्स, और इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे और भी डिलीशियस बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी रख दी है धनिया की पत्ती, और बहुत ही बारीक कट करके मैंने डाला है, क्योंकि धनिया पत्ती तो हर सब्जी का हीरो होता है। और इसमें मैंने ना लहसुन डाला है ना प्याज डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी गर्म मसाला के साथ ही इस रेसिपी का मज़ा 100 गुना हो जाता है फ्रेंड्स। बस आप अपने अनुसार इसकी ग्रेवी देख लें, पका हुआ चेक कर लें। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर ही मैंने उसे पकाया था, और यहाँ मेरी गोभी की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप पूरी, पराठा, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, काफ़ी यम लगती है। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस रेसिपी को इस स्टाइल से बनाएं, मेरे स्टाइल से बनाएं, स्नेहा के स्टाइल से बनाएं।
काफ़ी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसे चलती हूँ परोसने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें, साथ ही दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स इसी तरह मिलती रहूँगी मैं नए नए वीडियोज़ के साथ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।